एक तरफ पीएम मोदी देश के लिए आर्थिक पैकेज ला रहे हैं, न्यू इंडिया का सपना दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पूरे देश को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। ये तस्वीरों में दिख रहा शख्स हैदराबाद में मजदूरी करता है। लॉकडाउन के कारण ठेकेदार की साइट बंद हुई और साइट पर काम करने वाला ये शख्स अपने परिवार को लेकर अपने घर मध्य प्रदेश के बालाघाट के कुंडे मोह गांव के लिए पैदल निकल पड़ा। गोद में 2 साल की बच्ची, घर का कुछ जरूरी सामान, 8 महीने की गर्भवती पत्नी और दूरी 800 किलोमीटर। कुछ दूर तक जैसे तैसे पैदल चला, लेकिन उसके बाद मीलों की दूरी तय करना मुश्किल हो रहा था। जब इन्हें कोई साधन नहीं मिला तो मौके से ही कुछ बांस और लकड़ी के टुकड़े चुनकर एक गाड़ी बनाई। हाथ गाड़ी में गर्भवती पत्नी धनवंता बाई और 2 साल की बेटी अनुरागनी को उसमें बिठाकर सफर के लिए कदम आगे बढ़ा दिए। इस तरह इस मजदूर परिवार ने 17 दिन में यात्रा पूरी की, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। जब मजदूर परिवार के साथ बालाघाट राज्य गांव सीमा पर पहुंचा तो लांजी के SDOP रितेश भार्गव ने देखा तो गाड़ी से घर भेजने की व्यवस्था की गई। मजदूर की मासूम बेटी के पैरों में चप्पल तक नहीं थी। पुलिस ने उसे चप्पल और खाने का सामान दिया और घर भेज दिया। ये हालत सिर्फ एक प्रवासी मजदूर की नहीं है, ये हाल तो देश के उन हजारों लाखों मजदूरों की है जो किसी हाल में अपने घर पहुंचना चाहते हैं और कुछ तो पहुंचने से पहले ही मौत की चपेट में आ जाते हैं। न्यूज़ डेस्क।